दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको न्यू ट्वीक्स की कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ जो न्यू ट्वीक्स अपडेट हुए हैं और ये सारे के सारे फ़ोन पे कंपैटिबल रहेंगे। तो चलिए देर किए बिना आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हमारे सबसे पहले ट्वीक का नाम है येलो पेजेस। इसका क्या बेनिफिट है गाइज, आपको ही पता है आईफोन के अंदर ट्रू कॉलर बैकग्राउंड में एक्टिवेट नहीं होता लाइक अदर फोन्स, जैसे एंड्रॉयड फोन में कंपैटिबिलिटी रहती है इसकी। किसी का भी हमें कॉल रिसीव होता है या अगर किसी को हम डायल करते हैं तो हमें उस पर्सन का पता नहीं चलता जैसा कि एंड्रॉयड फोन में होता है। बट अगर आपने ये ट्वीक डाउनलोड किया हुआ है येलो पेजेस के नाम से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि देखिए मेरे को किसी का भी कॉल आएगा मेरे नंबर पे तो मेरे को पर्सन के नाम के साथ साथ उसका पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए ये मैंने नंबर सेव किया हुआ है, ये पर्सन का नाम आ रहा है। अब मैं जैसे फोन को डिस्कनेक्ट करूंगा तो आप देखना चाहते हैं इसको जाके, ये देखिए आप। अब मैं इसको जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करूंगा, ये देखिए ये ऑप्शन आ चुकी है, इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए पर्सन का नाम सारी डिटेल आ जाएगी। ऐसे जो अननोन नंबर भी है लाइक ये देखिए, इस पर भी मैं ऐसे क्लिक करूंगा, स्वाइप किया, ये देखिए नाम आ गया। आप किसी को डायल करेंगे तो ऐसे उसका भी नाम आ जाएगा और रिसीव करेंगे उसका ही। बट इसके लिए आपको ट्रू कॉलर का आपके फोन में होना जरूरी है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप इस ट्वीक को डाउनलोड करेंगे, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, आप कॉन्फ़िगर करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम किसी को अगर बाई चांस कॉल करते भी हैं तो ये देखिए तो भी ये उसकी हिस्ट्री पूरी बताएगा। वैसे तो ये पेड ट्वीक है बट मैं आपको सोर्स बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सोर्स है इसका, आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्वीक की। ये तो आपको ही पता है सडनली हमने किसी को कॉल करना होता है या इंस्टेंट कोई मैसेज करना होता है, पहले हमें फोन को अनलॉक करना पड़ता है, फिर हमें मैसेज सेटिंग में या कॉल में जाना पड़ता है कॉल करने के लिए। बट इस ट्वीक का नाम मैं बताने जा रहा हूँ डॉक लॉक। ये देखिए मेरा फोन लॉक है और जो मेरी डॉक है ये लॉक स्क्रीन पे आई हुई है। मैंने किसी को इंस्टेंट कॉल करनी है, सफारी सर्च करना है, मैसेज करना है या म्यूजिक प्ले करना है तो मैंने जस्ट पोज करो, ये देखिए मैंने इसको कॉल करना है सडनली, मैंने इस पर क्लिक किया, अनलॉक किया, सीधा कॉल पर ले जाएगा। ऐसे ही सफारी ओपन करना है, क्लिक किया, अनलॉक किया, फोन सीधा सफारी पर ले जाएगा। ऐसे ही मैसेज करना है, क्लिक किया, ये सीधा हमें मैसेज पे ले जाएगा। ऐसी म्यूजिक ऐप है, म्यूजिक पे क्लिक किया, अनलॉक किया सीधा। इस ट्वीक का नाम है डॉक लॉक। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये देखिए आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे थर्ड ट्वीक की जिसका नाम है कैरियराइजर। इसकी हेल्प से आप किसी के साथ फन करना चाहें लाइक ये देखिए मैं जैसे इसको अनेबल करूंगा, ये मेरा आईफोन 7 है सिंगल सिम, अगर मैं इसको ड्यूल सिम यहाँ पर अनेबल करना चाहूँ ये फेक ड्यूल सिम हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जियो रेटा लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लाइक आइडिया कर दिया मैंने और ये मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन है फेक ड्यूल सिम, इसे अनेबल कर दिया। अब हमने रीस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड कर देना है, ये देखिए ये मेरा सिंगल सिम ड्यूल सिम में कन्वर्ट हो जाएगा, फेक ड्यूल सिम नॉट ओरिजिनल। बट ये किसी के साथ आपने स्पूफ करना हो लाइक शो ऑफ करना हो, ये देखिए ये ड्यूल सिम बना हुआ आ गया यहाँ पे, जियो और आइडिया आईफोन 7। इसमें टन्स ऑफ ऑप्शन है गाइस, ये देखिए जैसे ही मैं कैरियराइजर में जाऊंगा यहाँ पर ये ड्यूल सिम का ऑप्शन है, फेक नो सर्विस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास 10 है उससे ऊपर के फ़ोन है, हाइड नोच करनी हो, हाइड सेलुलर डाटा करना हो, एनेबल सिम सर्विस टैक्स, ये देखिए लाइक मैंने अब यहाँ पर ये फेक नो सिम करना है। अब ये देखिए मैं रीस्प्रिंग करूँगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे फेक नो सिम लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए नो सर्विस लिखी हुई आ गई है। आप इसमें कुछ भी आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, ये देखिए कई सारी ऑप्शन है
शो टाइम ऑन लॉक स्क्रीन, शो करंट टेम्परेचर, ये देखिएगा एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। इसका सोर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ये देखिए टेम्परेचर भी आ गया है। इसके साथ साथ आप और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल फ्री ट्वीक है। दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे लास्ट ट्वीक की। ये देखिए लॉक स्क्रीन पे ये थंब का आइकन बना आ रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पासकोड मांगेगा, मेरे को बार बार थंब यहाँ पर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे थंब अपना प्रेस करूंगा तो ये सीधे का सीधा, ये देखिए यहाँ फिर से ये थंब बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया, ये पासकोड की ऑप्शन है, पासकोड किया, अनलॉक कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे प्रेस करके यहाँ से भी अनलॉक कर सकता हूँ, या चाहूँ तो इस पे ऐसे क्लिक करके पासकोड से भी अनलॉक कर सकता हूँ। इसमें भी कई सारी ऑप्शन है गाइस, इसका नाम है फिंगर लॉक इस ट्वीक का। ये देखिए मैं चाहे इसमें किसी की कस्टम फोटो भी सेट करना चाहूँ, लाइक मेरे फ़ोन में कोई भी फोटो है, मैं लाइक ये देखिए ये स्टीव जॉब की फ़ोटो लगाना चाहूँ, इसको अप्लाई किया और ये देखिए गाइस ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल फ्री ट्वीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए फोटो आ चुकी है, मैंने जैसे ही क्लिक किया उस पर, ये देखिए मैं इससे भी अनलॉक कर सकता हूँ, फोटो पे प्रेस किया और इससे भी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।